रायबरेली जनपद के थानों में पुलिस विभाग में हुए रिश्वत या घूसखोरी के कई मामले उजागर हुए हैं। इसी क्रम में एक बार फिर जिले के नसीराबाद थाने में तैनात एक पुलिस कर्मी का रिश्वत मांगते हुए ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें एक बार फिर पुलिस विभाग में रिश्वतखोरी का बोलबाला उजागर हो गया है। जानकारी के अनुसार वायरल ऑडियो क्लिप नसीराबाद थाने में पिछले कई सालों से कार्यरत सिपाही राकेश कुमार वर्मा का बताया जा रहा है, जिसमें यह मीडिएटर के जरिए खुलेआम रिश्वत की मांग कर रहा है। ऑडियो में सिपाही स्पष्ट रूप से कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि 7,000 एडवांस में मिल गया है, वही बाकी 13,000 रुपए की खुलेआम मांग कर रहा है। साथ ही रिश्वत ना मिलने पर वह बेटे की जिंदगी बर्बाद करने की धमकी भी दे रहा है। ऑडियो के वायरल होने के बाद एक बार फिर पुलिस विभाग की किरकिरी हो रही है। जानकारी के अनुसार नसीराबाद थाने में तैनात सिपाही राकेश कुमार वर्मा सतपेड़ा गांव निवासी विक्रम नामक युवक से पंडित सिंह निवासी आलमपुरा को मध्यस्थ फोन किया पर 13,000 की डिमांड करते हुए सिपाही से कॉन्फ्रेंस पर बात करवाकर रिश्वत की डिमांड कर रहा है। वही सिपाही द्वारा पीड़ित को पैसे ना देने पर यानी फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहा है, जो वायरल ऑडियो में साफ साफ सुनाई दे रहा है। अब देखना यह होगा कि अपनी बेबाक कार्यशाली व ईमानदारी के लिए जाने जाने वाले पुलिस अधीक्षक स्वप्निल मगमई ऐसे घूसखोर पुलिसकर्मी के खिलाफ कैसे दंडात्मक कार्यवाही करेंगे, जिससे कि पूरे जिले के पुलिसकर्मियों में एक संदेश जाए और वह रिश्वत लेने से तो क्या मांगने से भी पहले कई बार सोचे। रायबरेली से संवाददाता सुधीर अग्निहोत्री की रिपोर्ट। क्या बोले? हेलो, विक्रम, विक्रम बोल रहे हो? नहीं, विक्रम ही बोल रहे हैं। विक्रम कौन बोल रहे हो आप? हम विक्रम के पापा बोल रहे हैं। अच्छा, विक्रम के पापा बोल रहे हैं। भैया उनका भेज दो, मिल ले आके। अरे सर, वो बात तो सही है, लेकिन पैसा हो तो तब तो दे दें। जब पैसा होगा तो दे देंगे तुरंत, हम आपको बात नहीं काटेंगे। नहीं, दिक्कत हो जाएगी ना, आपको भी दिक्कत होगी। यही है कि उसके लड़के का फिर जिंदगी बेकार करोगे आप। बात सही है, लेकिन सर पैसे हो तब तो उस दिन किसी तरह हम किसी दूसरे मांग मांग के तो घर वाले पैदा किए हैं, अब लोगों का फिर के दे रहे हैं। चलो ठीक है, एक मिनट रुको, लाइन पर रहना आप जी। भैया है जो ना बता रहे हैं कि नहीं है यहाँ। कौन? ये रामचंद्र, उसके पापा विक्रम के। कहाँ गया है, पूछो इनसे। प्रदीप की जिम्मेदारी है। प्रदीप जाने और ये विक्रम पापा, लाइन पे बात करो विक्रम के पापा से। हेलो, हेलो। हाँ, हेलो जी साहब, क्या बात हुई? उसको अगले को परेशान कर रहे हो तुम? नहीं साहब, परेशान नहीं कर रहे हैं। पैसा हो जाएगा, समझा देंगे तुरंत। हाँ तो अगले को काहे परेशान कर रहे हो? तुरंत की बात नहीं हुई थी, समझ गए? हाँ साहब, बात सही है, लेकिन बात हुई थी सुबह की, आज दूसरा सुबह हो गया है। बात सही है साहब, लेकिन पैसा हो दूसरे से। सुनो, हम वो साधु है, उल्टा गुजिया सरकार ना जानते हैं, ये नोट कर लेना। हाँ बात सही है साहब, लेकिन जब हो तो दे दें, कहीं कुछ बेच लें, क्या बेचे, हमारे पास तो है ही नहीं है। होने की बात नहीं थी ना, होने की बात कोई की थी इन्होंने, नहीं से तुमने की थी, समझ गए जी। सुबह हर हालत में जी साहब इनसे संपर्क कर लेना जो बात करा रहे हैं पंडित जी। कितना ठीक है, कितना देना साहब? हाँ, वो तेरह हजार बता रहे हैं? हाँ हाँ हाँ। अच्छा जी, ठीक साहब, सुबह हो जाना चाहिए। सुबह तो अभी नहीं हो पाएगा साहब, देखो फेरेंगे साहब, टाइम देना पड़ेगा आपको, बस अब क्या बताए। अब टाइम इनसे मांगो तो उससे नहीं मतलब है हमको, ठीक है? ठीक साहब, ठीक, जो टाइम लेना है इनसे लो, ठीक, तो इनकी खपड़ी चाट लेंगे, समझ गए? ठीक साहब, ठीक। क्या नाम है तुम्हारा? राम नरेश जी। पिता का नाम क्या है? रामराज। कहाँ के रहने वाले हो तुम? गांव सतपड़ा है जी, नसीराबाद थाना, जिला रायबरेली। अच्छा, क्या मामला था तुम्हारा? सर जो है, मैं दारू घर में तो नहीं बना रहा था, लेकिन बाहर रखा था, वहाँ किसी का रखा हुआ था, और हमारे पीछे रखा था, घर के खेत है तो उसी में रखा हुआ था, उसको उठा के लाए, हमको जो उठा लिए, हमको पकड़ लिए, कहीं तुम्हारा ही माल है, चलो ठीक है, लेकिन लड़का मेरा बाहर सो रहा था, उसको भी उठा के जगा के ले गए, मारा भी एक चट्टा। उसके बाद में वहाँ पे ले गए, फिर जाके सिपाही ने क्या कहते हैं, वो 7,000 रुपये भी ले लिया, केस लड़का के खिलाफ मुकदमा नहीं बनाएंगे,
7000 रुपये दे दीजिए, तो 7000 रुपये दे दिए सर। उसके बाद में 13000 फिर मांग रहे थे, फोन पे किए, हमारा रिकॉर्डिंग भी है। अच्छा, रिकॉर्डिंग है तुम्हारे पास? हाँ जी, रिकॉर्डिंग भी है। अच्छा, हाँ। कौन मांग रहा था आपसे पैसा? राकेश सिपाही। कौन से थाने के हैं? नसीराबाद थाना है। नसीराबाद थाने के। कितना दिया आपने? 7000 हमने दिया है नगद। और कितना मांग रहे हैं? 13000 और मांग रहे थे। अच्छा, नहीं देने पे क्या बोले? नहीं देने पे हमको धमकी दे रहे थे। क्या बोले धमकी? कि लड़का को जिंदगी खराब कर देंगे, सऊदी दुबई जा रहा हो, जाने नहीं पाएगा, दुनिया की बातें कर रहे थे। अच्छा, ये बताइए कि एक आपके नसीराबाद थाने के जो हल्का सिपाही हैं, उनके द्वारा जो एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें 13000 रुपये की डिमांड की जा रही है, वो आप ही का है? हाँ जी जी, हमारे हमारा। अच्छा, हमारा ही। चलिए ठीक ठीक। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।